नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैं और आप अपने ही जैसे आम लोगों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा दुनिया भर में मौजूद चंद एक इंतहाई स्पेशल लोगों से। इन स्पेशल लोगों में कोई बिजली खा जाता है तो किसी की आंखों में बाय नेचर एक्सरे मशीन फिट है, किसी का कद बहुत ज्यादा लंबा है तो किसी की कमर इंतहाई पतली, कोई क्वीन ऑफ द डार्क है तो कोई विदाउट एनी प्लास्टिक सर्जरी बन गई ह्यूमन बार्बी। ये तमाम स्पेशल लोग आप लोगों को बेहद हैरान कर देने वाले हैं, सो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं विलेरिया लोकानोवा से, द ह्यूमन बार्बी। विलेरिया एक यूक्रेनियन मॉडल है और इन्हें पूरी दुनिया में ह्यूमन बार्बी के निकनेम से पुकारा जाता है। अब विलेरिया और बार्बी डॉल के दरमियान रिजेम्बलेंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन विलेरिया के बकौल उन्होंने ह्यूमन बार्बी बनने के लिए अपने चेहरे और अपने जिस्म के किसी भी पार्ट की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। अब दिखने में विलेरिया तो प्लास्टिक की एक गुड़िया ही लगती है, लेकिन विलेरिया ये कहती है कि ये सब कुछ उसने जिम जाने से और स्पेशल डाइट खाने से एक्वायर किया है। अब क्या ये बात मानी जा सकती है कि इस मॉडल ने ह्यूमन बार्बी बनने के लिए किसी भी किस्म की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई? आप दोस्त क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट इज दीपक जंगरा द सुपर हीरो। दीपक की सुपर पावर ये है कि इसकी बॉडी बिजली खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के को करंट बिल्कुल फील नहीं होता। अगर आप दीपक को 1000 वोल्ट्स का करंट भी लगाएंगे तो भी इसकी बॉडी को ये करंट बिल्कुल फील नहीं होने वाला। 1000 वोल्ट्स का करंट किसी भी आम इंसान को विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म कर सकता है। दीपक के साथ बिजली का ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इसे ये पता चला था कि इसकी बॉडी करंट को अब्सॉर्ब कर लेती है। दीपक की अब रूटीन ये है कि वो अपने इस टैलेंट के बलबोते पर अपने गांव के जितने भी बिजली के मसले हैं वो खुद ठीक करता है। दीपक के गांव वालों को अब किसी भी लाइन मैन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अब दीपक के इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशल वर्क के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपकी मुलाकात करवाता हूं अरुण से, जिसे रियल लाइफ मैग्नीटो या दी मैग्नेट मैन कहा जाता है। अरुण की स्पेशलिटी ये है कि इसके जिस्म से निकलती हैं स्पेशल मैग्नेटिक वेव्स, जो कि हर मेटल के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। आप अरुण के जिस्म के ऊपर चमचों को रख दें या फिर स्त्रियों को, कोई भी चीज आपको नीचे गिरती हुई नहीं नजर आएगी। इसके जिस्म से निकलने वाली मैग्नेटिक वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। नेक्स्ट इज एलिसानी डगुस सिल्वा। इस लड़की को ब्राजील की सबसे लंबी सबसे हाइटेड टीनेजर लड़की होने का एजाज हासिल है। इस लड़की की एज है 18 इयर्स और इसका कद या इसकी हाइट है 6 फीट 8 इंचेस। बचपन में इस लड़की के ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई और उनकी वजह से इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन बाय द टाइम इस लड़की का कद एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर लंबा हो चुका था। ब्राजील की ये टीनेजर अब शादीशुदा है और इसके शोहर का कद है 5 फुट 4 इंचेस। नेक्स्ट इज मिशेल कॉपकी। 2013 में मिशेल कॉपकी इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई। रीजन ये कि इस खातून की कमर दुनिया की सबसे पतली कमर के तौर पर जानी जाती है, बल्कि यूं समझिए कि इस लड़की की वेस्ट ना होने के बराबर है। मिशेल की वेस्ट सिर्फ 16 इंचेस है, 16 इंचेस, और आप हैरान होंगे कि इसने इतनी पतली वेस्ट बाय चॉइस की है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। ये एक हेल्दी बच्चे के तौर पर पैदा हुई थी और इसकी सारी उम्र हेल्दी ही गुजरी है। मिशेल के मुताबिक उसने 3 साल तक रेगुलरली तंग कॉर्सेट पहना है और उसके अलावा स्पेशल डाइट खाई है, तब कहीं जाकर उसने अपनी वेस्ट को 16 इंचेस किया है। मजे की बात यह है कि ये खातून अभी अपनी वेस्ट को और ज्यादा कम करना चाहती है। अब इस लड़की के शौक को इसका ऑब्सेशन कहा जाए या फिर इसकी बेवकूफी, मैं कंफ्यूज हूँ। आप दोस्त मुझे कॉमेंट सेक्शन में मशवरा दें कि इस चीज को क्या कहा जाए। नेक्स्ट इज यकीम गाटविच द क्वीन ऑफ द डार्क। यकीम इस वक्त फैशन की दुनिया की टॉप मॉडल्स में से एक हैं और इनकी स्किन टोन इतनी ज्यादा रेयर है कि उसकी वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल भी दिया जा चुका है। यकीम का कहना यह है कि ना तो आपका स्किन का कलर आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और ना ही आपकी ब्यूटी को। यकीम के मुताबिक वो इंतहाई डार्क है, लेकिन उसके बावजूद खूबसूरत भी है और कामयाब भी। यही उनकी तरफ से लोगों को मोटिवेशन भी है कि अपने स्किन टोन कलर को छोड़ें, कामयाबी के ख्वाब देखें।
नेक्स्ट इज नताशा डेमकीना द एक्सरे गर्ल। नताशा का ताल्लुक रशिया से है और इस लड़की की दोनों आंखों में नेचर ने फिट कर दी हैं एक्सरे मशीन। ये लड़की अपनी दोनों आंखों की मदद से किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हर चीज को देख सकती है। नताशा के इस क्लेम को कई मर्तबा टेस्ट किया जा चुका है और मजे की बात यह है कि हर मर्तबा नताशा अपने क्लेम को प्रूव करने में कामयाब रही है। अपनी स्पेशल पावर के सिलसिले में नताशा कई मर्तबा डॉक्टर्स के मुख्तलिफ पैनल्स को भी कई इंटरव्यूज दे चुकी है। अब कुछ लोग तो नताशा के क्लेम को मानते हैं कि इसके पास एक खास किस्म का टैलेंट है कि ये इंसानी जिस्म के आर पार देख सकती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि नताशा दुनिया को धोखा दे रही है। इस लड़की के पास कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स प्ले करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस लड़की के इस खास टैलेंट के बारे में क्या कहना है। नेक्स्ट आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवाता हूँ जिसकी आंखों की दोनों पुतलियों के कलर्स डिफरेंट हैं। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसमें नॉर्मली आंखों की पुतलियों का कलर मुख्तलिफ होता है। एक आंख की पुतली का कलर नीला होगा तो दूसरी का कलर ब्लैक होगा। कुछ बच्चों में आंखों की पुतलियों का कलर कम्बिनेशन होता है ब्लू एंड ब्राउन। ये रेयर मेडिकल कंडीशन लाखों में से सिर्फ एक इंसान को इफेक्ट करती है। यही वजह है कि इस मेडिकल कंडीशन का इफेक्ट इंसान या बच्चा आपको बेहद कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज जेंग रूफेंग द हॉर्न्ड लेडी। चाइना से ताल्लुक रखने वाली जेंग नाम की इस खातून ने 2010 में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस खलबली की वजह यह थी कि इस खातून के माथे पर एक सींग निकल आया। मजे की बात यह है कि उस साल जेंग की उम्र 100 बरस हो गई थी। जेंग अपने माथे पर उगने वाले सींग को अपने सर का ताज करार देती थी। पहले तो जेंग के माथे के ऊपर सिर्फ एक सींग था, उसके बाद दूसरा सींग भी माथे के दूसरे सिरे के ऊपर नमूदार होना शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना यह था कि जेंग के जिस्म के ऊपर शैतानी कुव्वतों ने अपना कब्जा जमा लिया है और जेंग के माथे पर उगने वाले सींग दरअसल शैतान के सींग हैं। वेल दोस्तों, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सींग दरअसल स्किन ट्यूमर की एक खास किस्म है जिसे एक ऑपरेशन के जरिए मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। ये अलग बात है कि जेंग ने अपने सींग को ऑपरेशन के जरिए खत्म करवाने से इनकार कर दिया था। उसका ये कहना था कि जिस चीज ने उसे पूरी दुनिया में शोहरत दिलवा वो उसे क्यों खत्म करे। और जेंग के इस लॉजिक के ऊपर हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया भर से जितने भी स्पेशल लोगों से मिलवाया, जिनमें से कुछ के पास सुपर पावर्स हैं तो कुछ किसी और वजह से काफी ज्यादा स्पेशल हैं। आपको कौन सा शख्स वाकई ही में सबसे ज्यादा स्पेशल लगा, वो स्पेशल पर्सन भी बता दें कि जिसके बारे में आप इस वीडियो से पहले नहीं जानते थे। मुझे ये सब कुछ कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।